के लिए खुशी की बात है कि गिरिराज सिंह जी को ग्रामीण विकास ऐसा विभाग मिला है और बिहार का 89% क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है। आज ग्रामीण विकास मंत्री बिहार के हैं या बहुत दो साल का जितना भी मंत्री था सारे लोग का उनका समीक्षा किए हैं उनके कार्यकाल का, उसमें कुछ मंत्री बदले भी गए हैं जिनका काल बढ़िया नहीं था उन लोग को चेंज किया गया है और पूरे देश भर में सारे समीकरण सारे लोग को लेकर यह नया मंत्रिमंडल बनाया गया है। और एक तरह से देखेंगे तो अभी तक जितना भी सरकार बनी है उसमें सबसे युवा मंत्रिमंडल ये है और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है सभी लोग पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, IAS भी हैं, तो एक काम करने का जो एक जो टीम बनाया गया है वो आने वाला समय में बहुत अच्छा मिला। अच्छा, रविशंकर प्रसाद जी को ड्रॉप किया गया है, आपको क्या कहेंगे? लगता है कि इसमें तो हम जो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है किसी को रख सकते हैं किसी को डॉक्टर, लेकिन काम आधार था ये आप मानते हैं? ये रविशंकर जी कद्दावर नेता रहे हैं, चार टर्म वो राष्ट्रवादी रहे हैं, पहली बार लोकसभा से चुनाव जीते हैं, वाजपेयी मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ भी पूरा टर्म पूरा किए हैं, इस पर घोषण किए हैं, कोई कारण ना होगा इस पर तो हमको जानकारी। ये मानते हैं कि ये बड़ा मैसेज है आगे के लिए? कोई मैसेज नहीं है, सारे लोग हो सकता है उनका जो जिम्मेवारी हो आने वाला समय में मंत्री पद से हटा के कहीं और देने का प्रधानमंत्री का मंशा, सारे लोग संगठन करते हैं में मेहनत करते हैं तभी जाके सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का सिस्टम है उसमें सभी का जहाँ जिसको जरूरत पड़ेगा वहाँ लोग उसको। अरे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आमतौर पर जब भी इस तरह का विस्तार होता है तो एक कटसी में एक धन्यवाद दिया जाता है या फिर बधाई, बारे में कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे। तो सहयोगी RCP जी मंत्रिमंडल में आए हैं और उनके कारण पशुपति पारक जी मंत्रिमंडल में आए हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का बयान आया था मीडिया में आप लोग हमने देखे थे, उन्होंने RCP को निर्दिष्ट किया था, तो RCP जी जो जैसा चाहे वैसा हुआ, उसमें हम उसको क्या टिप्पणी कर सकते। लेकिन ये माना जाए कि ट्वीट नहीं करना, बधाई नहीं देना, दुखी हैं? अब ये सब दुखी आप सुखी तो माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी बेहतर बताएंगे, लेकिन हमको लगता है ऑल इन वेल, कोई दिक्कत नहीं। पर चिराग पासवान ने कहा है कि अगर हमारे चाचा को मंत्री अब बना दिया गया तो वो कोर्ट भी गए हैं, कोर्ट गए हैं नाराजगी। चिराग पासवान जी NDA में नहीं, चिराग जो केंद्र में भी तो अभी फिलहाल नहीं है, कहां से जा सकता है, इसलिए कि उनके जो चाचा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी जी के साथ में आ गए, तो फिलहाल अभी के जो परिस्थिति है उसमें आज के डेट में वो NDA में नहीं और अपना वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर कोर्ट गए हैं मान लीजिए कोर्ट का क्या निर्णय आता है बाद में करेंगे। पर उन्होंने यह भी कहा है कि अब केंद्र में जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसके बाद बिहार में NDA की सरकार भी नहीं चलेगी ज्यादा दिन, मध्यवर्ती चुनाव करने के बाद। अरे बिहार में सरकार फुल टर्म मजबूती के साथ है, हमारे जो सहयोगी हैं हम पार्टी के जीतन राम मांझी, माननीय नीतीश जी, VIP और BJP चारों लोग एकजुट हैं और मजबूती से एक साथ हैं, बिहार सरकार से कोई खतरा नहीं है और पांचों साल चल। ठीक है, पूरे देश भर में सारे समीकरण सारे लोगों को लेकर नया मंत्रिमंडल बनाया गया है और एक तरह से देखेंगे तो अभी तक जितना भी सरकार बनी है उसमें सबसे युवा मंत्रिमंडल में है और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है सभी लोग पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, IAS भी हैं, काम करने का जो जो टीम बनाया गया है वो आने वाला समय में बहुत अच्छा। अच्छा, रविशंकर प्रसाद जी को ड्रॉप किया गया है, आपको क्या कहेंगे? लगता है कि इसमें तो हम जो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन काम आधार था ये आप मानते हैं? मानिए है, रविशंकर जी कद्दावर नेता रहे हैं, चार काम वो राष्ट्रवादी रहे, पहली बार लोकसभा से चुनाव जीते हैं, वाजपेयी मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, ये मानते हैं कि ये बड़ा मैसेज है आगे के लिए? सारे लोग हो सकता है उनका जो जिम्मेवारी हो आने वाला समय में मंत्री पद से हटा के कहीं और देने का प्रधानमंत्री का मौका है, सारे लोग समर्थन करते हैं में मेहनत करते हैं तभी जाके सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का सिस्टम है उसमें सभी का जहाँ जिसको जरूरत पड़ेगा। अरे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आमतौर पर जब भी इस तरह का विस्तार होता है तो एक पटसी में एक
धन्यवाद दिया जाता है या फिर बधाई दी जाती है, शुभकामना दिया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक कोई भी शुभकामना ट्वीट नहीं किया है, ना ही कोई शुभकामना दी है। लेकिन ये माना जाए की ट्वीट नहीं करना, बधाई नहीं देना, दुखी है, हमको लगता है। और पर चिराग पासवान ने कहा है कि अगर हमारे चाचा को मंत्री अब बना दिया गया तो वो कूट भी गए हैं। चिराग पासवान जी एनडीए में नहीं, जेल में भी तो अभी बहाल नहीं है, पास जा सकता है, इसलिए जो चाचा है मंत्रिमंडल में मोदी जी के साथ में आ गए। तो फिलहाल अभी के जो परिस्थिति है उसमें आज के लिए भी वो एनडीए में नहीं, और अपना वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर कूट गए हैं मंत्री, पर उन्होंने यह भी कहा है कि अब केंद्र में जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसके बाद बिहार में एनडीए की सरकार भी नहीं चलेगी ज्यादा दिन, मध्यवर्ती चुनाव करने की बात है। बिहार में सरकार पूर्णतः मजबूत मजबूती के साथ है, हमारे जो सहयोगी हैं हम पार्टी के जीतन राम मांझी, मंगल नीतीश जी, बीजेपी और बीजेपी चारों लोग एकजुट हैं और मजबूती से साथ है। बिहार की सरकार से कोई खतरा नहीं है और पांच साल से।